इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। आप समाज के बड़े हैं इस वक्त, आप पॉलिटिकल सियासी लीडर हैं और आज आप छोटे हैं, हम आपको बड़ा देखना चाहते हैं और आगे जाना देखना चाहते हैं। आप में वो क्वालिटी भी देखना चाहते हैं, आप में वो फीलिंग्स भी देखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारी पार्टीज अलग हो सकते हैं मगर हम अलग नहीं हैं। जो इलाकों में गवर्नमेंट अभी बसेस नहीं आ रहे हैं वहाँ तक हमारे बसेस गवर्नमेंट की पहुँचना चाहिए। गरीब इलाका है, यहाँ तक बस लाई जा सकती है तो हमें बस लाने की कोशिश करना। इसी तरह रोड का, गटर का, सफाई का काम मुस्तकिल मौलाना बताएंगे। जो खास दरमियानी इलाके हैं, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम पार्किंग जोन का भी है। घर हमारे छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पार्किंग जोन भी होते हैं। अगर आप लोग ऐसे इलाकों के जिम्मेदार हैं जो दरमियानी शहर के हैं, वहाँ पार्किंग के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ जगह को देखकर और कोई ना कोई रास्ता निकाल करके गवर्नमेंट से हो या किसी अपनी कोशिश से हो, पार्किंग जोन बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह इस वक्त मैं एक और अर्ज करता हूँ कि बच्चे जो हमारे खेलते हैं, खेलने के भी बड़े मसाइल हैं, प्ले ग्राउंड भी हमारे पास इलाकों में मौजूद हैं, पाँच जगह हैं तो बंद रहते हैं, तो प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। ये चंद कलिमात मैं इस जज्बे से आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप काम करेंगे। असल में आज आपको मुबारकबादी देने के लिए बुलाया गया, हमारा ये मत हम आपको जिम्मेदारी नहीं बता रहे, माफ करना, असल में आपको मुबारकबादी देने के लिए बुला रहे हैं और अल्लाह की तरफ से इंतजाम की खबर देने के लिए बुलाए हैं। आप अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं, इंशाल्लाह आपसे कौम को बहुत उम्मीद है और आप सब मिलजुल कर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारी उम्मीदें भी आपसे हैं और कौम की उम्मीदें भी आपसे हैं। अल्लाह ताला आपको कबूल कर। नहीं तेरा नशेमन पसरे सुल्तानी की गुम्मत पर, नहीं तेरा नशेमन पसरे सुल्तानी की गुम्मत पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तुम्हारी परवाज जो है कॉरपोरेशन इलेक्शन के में मुंतखब होना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला
कौम के अंदर तुम्हारी खिदमत पर अल्लाह ताला तुमको ऐसे मकबूल बनाए, ये हमारी दिली दुआ है और अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि आपकी परवाज बढ़ती जाए जहाँ तक अल्लाह ताला आपको पहुँचाना चाहे, जिस मकाम तक अल्लाह आपको पहुँचाना चाहे, हम सब आपको उस मकाम पर देखना चाहते हैं। हमारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। बड़ी खुशी की बात है कि लंबी मुद्दत के बाद बेलगाम के अंदर 14 मुंतखब मुसलमान नुमाइंदे इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की है। 58 वार्ड के अंदर 14 वार्ड से हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से 8 और इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 1 और आज़ाद उम्मीदवार बनकर जो कामयाबी हासिल की है वो 5, कुल मिलाकर 14। और इत्तेफाकी बात यह है कि 14 में से हमारी 6-7 बहनें भी हैं और 7 हमारे भाई भी, दोनों का मुआवजा बराबर है कि 14 में से, यानी जैसे आज दुनिया वालों का कानून है कि औरत किसी से पीछे नहीं है, तो मुसलमान इलेक्शन के अंदर इस तरीके से कामयाबी करके बताए हैं कि 7 मस्तूरात हैं तो 7 मर्द भी हैं। हम भी माशाल्लाह औरतों के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उसको हल करेंगे, मर्दों के जो मसाइल हैं सब मिलकर इंशाल्लाह हल करेंगे। जिन वार्ड में और मोहल्ले वालों ने आप पर उम्मीद करके आपको वोट दिया है उनकी उम्मीद को आप पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त मुझे आप हजरात के सामने चंद बातें गुजार करनी है जमीत उलमा की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह 14 लोग आए हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कॉर्पोरेशन में सदियों तक आपका एक छाप बैठे कि मुसलमान कॉर्पोरेटर ऐसे होते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया आपने, हमारी सारी कुर्बानियों पर आपने पानी फेर दिया। अगर आपने 5 सालों के अरसे में ये नहीं बताया कि मुसलमान कॉर्पोरेटर हो तो मुसलमान कॉर्पोरेटर हो, अगर आपने साबित नहीं किया तो अल्लाह हम आपकी गर्दन पकड़ेंगे कल कयामत। आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप ये साबित करके दिखाएं कि मुसलमान कॉर्पोरेटर मुसलमान हो तो ऐसा हो, और ऐसा कॉर्पोरेटर होता है मुसलमान। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक तो सबसे पहले अपनी पोजीशन पूरे कॉर्पोरेशन पर बनाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ आप हजरात के सामने मुझे ये रखनी है, कॉर्पोरेशन कौन सी खाई का नाम है, ये कौन से गले का नाम है। हम में से बहुत सारे जो नए नए सिलेक्ट होकर आए हैं नहीं मालूम, इनको समझने में 3-4 साल चले जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ काम करना चाहेंगे तो कुछ होगा। आप हजरात से हमारी गुजारिश है कि 15 दिन में 20 दिन में एक मरतबा आपका जोड़ हफ्ता कॉर्पोरेशन है किस बला का नाम, किस मुसीबत का नाम, इसमें क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस रास्ते से हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें से एक एक को कॉर्पोरेशन की का तारुफ कराने की ज़रूरत है, पहले ही के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी अपनी मुलाकातों को आसान बनाएं। अपने अपने इलाके के अंदर सिलेक्ट होकर आते हैं कॉर्पोरेटर, महीनों और सालों बीत जाते हैं, ना का इलाके से उनके वाले के लोगों से उनका कोई रब्त है, ना उनका इलाके वालों से कोई रब्त है। इसलिए तो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। इसलिए आप जरा से हमारी गुजारिश है कि जिस इलाके से आप चुन कर आए हैं पूरा एशिया बीच बनाएँ, कैसे ऐसी जगह बनाएँ या लोग आपके पास कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से मसाइल लेकर आएँ और उन मसाइल को हल करने की आप कोशिश करें। इलेक्शन में हुआ 1500 लोगों के नाम ही गायब हो गए। हम सब लोग इलेक्शन के मौके पर मुतहरिक होते हैं, बात होते हैं, दिन को रात करते रात को दिन करते हैं, लेकिन हमको इस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरे वार्ड से किन किन अपराध के नाम हैं नहीं हैं, इसकी कोई फिक्र नहीं होती हमारी। ये तो बहुत बुरी बात है, बेतलाफिक्री है, बेफिक्री है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी आप हजरात की है कि अपने वार्ड के एक एक फर्द का सही सही नाम। दूसरी तीसरी चीज़ आप हजरात के सामने, जैसे कि मान से ने कहा तालीमी मैदान में हम लोग बहुत पीछे हैं, इसकी तरफ भी ये तो आज फिक्र तो है नहीं है, लेकिन अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके और जहाँ तक मुमकिन हो जैसे मुमकिन हो अपने इलाके के बच्चों को ऊपर लाने की मजहबी तालीम के दबर से भी और दीनी असली तालीम के दबर से भी जमीत उलमा की तरफ से अभी ऐलान आया स्कॉलरशिप जमीत उलमा की तरफ से पूरे मुल्क में तकसीम की जा रही है। वो सारी तफसीलत जो हैं वो हमारे सेक्रेटरी जमीत उलमा के मौलाना आरिफ साहब हैं, उनसे रबता कायम करके उन बच्चों के जो हकदार हैं उन बच्चों उसके फार्म भरकर वो स्कॉलरशिप देकर उनकी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सेहत के लिए, सेहत बहाल करने के लिए हर मुमकिन हमें कोशिश करना है, जो कर सकते हो करना है।
मिसाल के तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल हर हफ्ते कम से कम एक मरतबा हमारे मोहल्लों में मच्छर के मारने की और बीमारियों से को ख़त्म करने की जो दवाइयाँ होती हैं गवर्नमेंट स्कीमों के ताल्लुक से कोई स्कीम मैं खुद को नहीं मालूम, मैं कारपोरेटर हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं मैं उस पर क्या काम करूँगा कौन को क्या उसको निशानदेही करूँगा क्योंकि क्या रहबरी करूँगा मुझे खुद को नहीं मालूम। ये सूरत हाल से आज तक हम दोचार होते हुए आए हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्या स्कीम है, उस स्कीम को कैसे हम अपने कौम के लिए अपने समाज के लिए अपने इलाके के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए हम किस काम में आप किस काम कौन सा काम कर सकते हैं। जितना गंदा इलाका हम मुसलमानों का शायद ही उस गैर मुस्लिमों का इतना इलाका एक तो यह कि कारपोरेशन की जिम्मेदारी तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी आपके हाथों में इसके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सफाई हमारे इलाके साफ सुथरे हों ये हमारी पहचान बन जाए मुसलमान की पहचान हो जाए कि साफ सुथरे मोहल्ले हों उनकी नालियाँ साफ सुथरी हों ये हमारी पहचान हो जाए। आज हमारा हाल ये है कि किसी मोहल्ले को देखो कि साफ सुथरा है तो बेझिझक बेतकल्लुफ हम कह सकते हैं कि मुसलमान का ये मोहल्ला नहीं किसी गैर मुस्लिम किसी और कम्युनिटी का समाज का मोहल्ला ये सूरत हाल आज हमारी बनी हुई है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम अभी आजम नगर के क्या कहते हैं उज्जवल नगर अमन नगर के आखिरी हिस्से में गए थे महीने नहीं दो दो तीन तीन महीने हो गए सफाई वाला नहीं आता सही है अजू भाई तीन तीन महीने हो गए तो हमने मजबूरन एक मस्जिद वहाँ जगह दी है उसके नीचे के और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये नीचे का जो तहखाना है या फर्स्ट फ्लोर है वो ऑफिस के लिए दे दें ताकि हम यहाँ सफाई का निज़ाम बनाएं। जो कारपोरेशन से सफाई का निज़ाम बन सकता है पूरी कोशिश करके कारपोरेशन से सफाई का निज़ाम बनाए, जो नहीं बन सकता है मोहल्ले की तंजीमों और जमातों और नौजवानों को लेकर हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने इलाकों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। सारे 14 के 14 कारपोरेटर को मालूम हो हर कारपोरेटर अपने अपने इलाके में उसके काम की उसके तरीके के कार की तरतीब बनाए राय मशवरा ले साथियों को जोड़े अपने इलाके के लोगों को जोड़े काम की शक्लें बनाए सर जोड़ कर बैठेंगे तो रास्ते खुलेंगे। अगर इरादा है तो रास्ते हजार है कोई ही न चाहे तो बहाने हजार है।